जी अस्सलाम वालेकुम। तो इंग्लिश एक्सप्रेशन की इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए, इंग्लिश राइटिंग की इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए, इंग्लिश पे कमांड कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, देख के लिखने की कोशिश करते हैं, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, लेकिन सिर्फ बेसिक ग्रामर सही होने से आपकी एक्सप्रेशन या आपकी कमांड ऑफ लैंग्वेज डिफेक्ट नहीं होगी। ग्रामर एक बहुत क्रूशल कंपोनेंट है जो इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन उसके बाद आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी कैसे सीखनी है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कैसे सीखनी है, तो उसके लिए कुछ टास्क हम डिज़ाइन करते हैं, जिसमें से एक टास्क ये है कि आप एक ही सेंटेंस को डिफरेंट वेज से लिखो, उसमें डिफरेंट आइडियाज इनकॉपरेट करने की कोशिश करो, एक ही सेंटेंस को लेके उसमें डिफरेंट वोकेबलरी के वर्ड्स ऐड करने की ट्राई करें, ताकि उसमें जो आइडियाज की कन्वेंस है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती रहे, उस पे आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांगली डिपिक्ट हो, और एग्जामिनर एक ही चीज़ दिस 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 या नाउन से अचानक बात स्टार्ट होना, उससे आपके एक इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सैम्पल सेंटेंस लेते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे, कि इकोनॉमी इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशंस, कि इकोनॉमी ड्राइविंग फोर्स है फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस की, या जो फॉरेन अफेयर्स के डिसीजंस हैं उनके। बेसिक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले अपनी वोकैब, रिटन वोकैब पे थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहे, तो हम सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसमें हमने करना है कि जो भी वर्ड जो कॉमन यूज हुए हुए हैं, जो रिकरिंगली हम यूज करते हैं या जो बहुत ही बेसिक है, उनको हम रिप्लेस करें सर्च करके। तो इसमें क्या आ जाएगा, इकोनॉमी इज द मेजर प्रोपेलेंट पुशिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन, तो हमने ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड की जगह प्रोपेलेंट पुशिंग दी फॉरेन पॉलिसी। तो हमें एक ऑप्शन पता चल गया कि भाई हम सर्च करके ये डालेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, आप सर्च करके भी नॉलेज बैंक बढ़ाएं। अब विदाउट सर्चिंग तो नॉलेज बैंक नहीं बढ़ा सकते। अब आपने सर्च करके ये वर्ड देखा, आपको अच्छा लगा, आपने उसका यूज देखा और उसको यूज कर लिया, तो इकोनॉमी इज द मेजर प्रोपेलेंट पुशिंग दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि वो कैब थोड़ी सी इंप्रूव की जाए। सेकेंड स्टेप में आपने वही सेम सेंटेंस रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं अब करने हैं, लेकिन सेकेंड स्टेप में हमें इसमें एक एडिशनल आइडिया डालेंगे, एडिशनल फ्रेज डालेंगे, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के बारे में कुछ बताना है, हम एडिशनल फ्रेज किसी नाउन के साथ डाल सकते हैं, इकोनॉमी डिस्प्लेसिंग द मिलिट्री माइट, कि इकोनॉमी ने क्या किया, हमने एक एड आइडिया ऐड कर दिया कि इसने मिलिट्री माइट को डिस्प्लेस कर दिया, इज नाउ अ मेजर प्रोपेलेंट बिहाइंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशंस। बाकी बात हम वही सेम रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि अच्छा इसी बात में मैं एक एडिशनल फ्रेज कैसे डाल सकता हूं, तो आपकी इकोनॉमी डिस्प्लेसिंग द मिलिट्री माइट। और भी काफी तरीके होते हैं एडिशनल फ्रेज डालने के, एक ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स है, एक आप सिंपल फ्लो में भी बात कर सकते हैं, इकोनॉमी विच हैज डिस्प्लेस्ड द मिलिट्री माइट, आप ये भी एडिशनल कॉमास में लिख सकते हैं, तो इकोनॉमी को डिफाइन भी कर सकते हैं, इकोनॉमी द बैकबोन ऑफ द नेशन, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट वेज होते हैं एडिशन एक आइडिया ऐड करने का। अब नेक्स्ट है आपका जो स्टेप 3 है, हम क्या करेंगे कि इकोनॉमी डिस्प्लेसिंग द मिलिट्री माइट सेम रखा, हम एक और आइडिया ऐड करने के इसमें ट्राई करेंगे। एक और आइडिया आप कैसे ऐड करेंगे, कि इकोनॉमी डिस्प्लेसिंग द मिलिट्री माइट इज नाउ अ मेजर प्रोपेलेंट बिहाइंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशंस, ये हमने पहले देख लिया। एक एडिशनल सेंटेंस है जो हम कॉमा डाल के आईएनजी फॉर्म से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कॉमा डाल के, स्टेयरिंग द ग्लोबल डायनामिक्स टुवर्ड जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। तो एक और आइडिया ऐड होगा कि एक सिंपल बात थी कि इकोनॉमी ड्राइविंग फोर्स है फॉरेन पॉलिसी, उसमें हमने बताया कि इकोनॉमी ने मिलिट्री माइट को भी डिस्प्लेस कर लिया, वो ड्राइविंग फोर्स है, और फिर लास्ट में हमने एक और किया कि स्टेयरिंग द ग्लोबल डायनामिक्स टुवर्ड जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, के आजकल के जो डायनामिक्स हैं ग्लोबल, वो जियो इकोनॉमिक राइवलरी की तरफ प्रोपेल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये तीसरा सेंटेंस डालने का तरीका होता है कि आप कॉमा डालें, आईएनजी फॉर्म से तीसरा आइडिया डायरेक्ट वर्ब के आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करके एक बात नहीं कर सकते हैं, ये दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका। और नेक्स्ट आपका, अब हम इसमें और पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, आप एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हो, ऐड करना सीख सकते हो, जैसे इकोनॉमी को हमने इकोनॉमिक माइट लिख दिया, हम मिलिट्री माइट की जगह ट्रेडिशनल मिलिट्री माइट लिख दें, एडजेक्टिव्स को ऐड कर दिया, एडवर्ब्स को ऐड कर दिया, हम एडजेक्टिव्स का यूज देखेंगे कि एक सिंपल यूज ऑफ एडजेक्टिव्स भी आपकी बात को काफी एलिवेट कर देता है। तो इकोनॉमिक माइट डिस्प्लेसिंग द ट्रेडिशनल मिलिट्री माइट इज नाउ द मोस्ट डोमिनेंट सॉर्ट ऑफ।
अब हमने क्या किया कि लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव डालना भी सीख सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था इज नाउ मेजर प्रोपेलेंट, तो हम इसकी जगह मेजर की जगह मोस्ट डोमिनेंट सॉर्ट आफ्टर एंड ओवर स्ट्रेस प्रोपेलेंट एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऊपर हमने स्टेयरिंग लिखा, इसमें एडवर्ब ऐड कर सकते हैं, ठीक है, रिगरसली स्टेयरिंग दी या कॉन्टिन्यूसली स्विफ्टली, कोई भी एक वर्ब ऐड कर सकते हैं वर्ब के साथ, नाउन के साथ एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास काफी पॉसिबिलिटीज आ गई अगर हम इस पे वर्क करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज को देखेंगे कि हम एक सिंपल सेंटेंस को लेके काफी एलिवेट कर सकते हैं। अब हम अगर अपने स्टार्टिंग सेंटेंस को देखें, इकोनॉमी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशंस, और हम एडजेक्टिव्स वाले पे देखें कि इकोनॉमिक माइट डिस्प्लेसिंग द ट्रेडिशनल मिलिट्री माइट इज नाउ द मोस्ट डोमिनेंट सॉर्ट आफ्टर एंड ओवरस्ट्रेस प्रोपेलेंट बिहाइंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशंस, कॉमा डाल के स्विफ्टली स्टीयरिंग द ग्लोबल डायनामिक्स टूवर्ड्स द रीवैम्प्ड जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। तो हम एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स एड करके भी अपनी इंग्लिश के लेवल को स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर डिपिक्टिंग द डाइवर्सिटी। अब हम कई जगह सिंपल सेंटेंस यूज करें, कई जगह हम एडिशनल फ्रेजेस डालें, कई जगह हम सिंपली एडिशनल के बगैर भी अफेक्ट सेंटेंस डाल सकते हैं या आईएनजी फॉर्म लिख के रिजल्ट के तौर, या हम कई जगह तीनों भी यूज करें, कई जगह हम स्टार्टिंग फ्रेज से स्टार्ट करके कॉमा डाल के अपनी बात पूरी करें। तो दिस इज सेंटेंस स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी के आपका रीडर जो है, एग्जामिनर जो है, वो आपकी इंग्लिश या आपके राइटअप को पढ़ के बोर ना हो। तो होप सो आपको इस वीडियो पे काफी हेल्प मिलेगी कि हम इंग्लिश इंप्रूव कैसे कैसे कर सकते हैं। ये एक पॉसिबल वे है जो हम यहाँ पे फॉलो करवाते हैं। डिजाइन है कुछ टास्क, इसके अलावा काफी टास्क होते हैं जो आपकी एक्सप्रेशन पैराफ्रेजिंग के लिए होते हैं। तो इस तरह की चीजें आप करें ताकि आप इनोवेटिवली अपनी इंग्लिश को कोई इंप्रूव कर सकें। अब इसमें देखिए, आपने वो कैब सीखी, आप ये जो नए वर्ड्स आपने सर्च करके डाले हैं, एडजेक्टिव्स सर्च करके डाले हैं, वर्ड्स जो रिप्लेस किए हैं, प्रोपेलेंट है, स्टेयरिंग है, इस तरह के वर्ड्स नहीं आते लेट से, तो आप इसकी सेपरेट लिस्ट बनाएं। ये वर्ड्स भी आपको यूज करना आगे, ये वर्ड्स आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी, आपको एडिशनल फ्रेज डालने आगी, आपको डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने आगे कि मैं कैसे कैसे बना सकता। तो एक सिंपल सा सेंटेंस लें, उस पे ये सारे स्टेप्स लगाएं, और आप देखेंगे कि आप अगर दिन में 3-4 सेंटेंसेस पे ये अप्लाई करते हैं तो आपकी विद इन 1 वीक आपकी काफ़ी वोकैब इम्प्रूव हो जाएगी, काफ़ी सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, आपको राइटअप काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो होप सो ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित हो। आपने खुद टास्क करने हैं तो आपको कोई फ़ायदा होगा, आप किसी और का इंतज़ार करेंगे, कोई आएगा, कोई सेवियर आएगा, मुझे बचा के ले जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपने खुद कोशिश करनी है, खुद आपने ट्राई करनी है, हार्डवर्क करना है, कुछ ना कुछ करते रहे, डायरेक्टेड पाथ पे रहे, ट्राई करें कि ये चीज़ मेरा टारगेट है इम्प्रूव करनी है तो कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ। तो ये एक पॉसिबल वे है सिर्फ बच्चों को इंस्टॉल करने के लिए कि बी इनोवेटिव, आप लॉजिकली चलें रादर देन एरेटिकली आप इरेशनल बिहेवियर हो कि कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, अखबार पढ़ते जा रहे हैं कि क्या पता हमारी इंग्लिश वहाँ से सही हो गया बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होना। आप खुद ट्राई करेंगे, जब तक खुद को प्रोपेल नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो जज़ाकअल्लाह, होप सो दिस विल बी हेल्पफुल।